किया गया। दरअसल लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से रेप किया गया। नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से रेप किया गया। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया, ये सतना से, और इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अन्य की तलाश की जा रही है। लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये थाने के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां आरोपी को पकड़कर पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। और इस पूरे मामले में नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। हालांकि आरोपी को लोगों के आक्रोश से बचाने के लिए पुलिस व्यवस्था वहां पर मौजूद थी। शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर। शिवेंद्र, अभी क्या स्थिति है बच्ची की और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी को चिन्हित कर लिया है और आरोपी पड़ोस के गांव का ही रहने वाला है, जो लिफ्ट के बहाने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। एक 11 साल की मासूम जो कक्षा पांचवी की छात्रा थी, उसके साथ बलात्कार किया है। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है और जब ये जानकारी जो ग्रामीणों को हुई कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है, बड़ी संख्या में ग्रामीण लामबंद होकर चौकी पहुंचे थे और आरोपी को को पुलिस पर पुलिस से ग्रामीणों के हवाले करने का दबाव बनाए और उसके चौकी के अंदर जाकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, आरोपी को मारने की कोशिश की। उसी समय पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि किसी तरह से हवाई फायर हुआ है, लेकिन पुलिस ये मान रही है और पुलिस कहना है कि अब मामला शांत कर लिया गया है। आरोपी को अब पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। अदालत में पेश किया जाएगा आरोपी को और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी।